देश के सामने एक बहुत ही भयंकर समस्या सामने आई है जो कि इस देश को पूरा बर्बादी की तरफ ले जा सकती है। आज भाजपा आरएसएस संघ परिवार की तरफ से जब से ये मोदी की सरकार आई है तब से एक बहुत ही भयंकर अटैक इस देश के माइनॉरिटीज़ के ऊपर, इस देश को धर्म के आधार पर बांटने के लिए, हिंदुओं की वोट लेने के लिए एक पूरा एक सोचा समझा अभियान चल रहा है जिसमें कि नीचे के लेवल पर जो कैडर हैं आरएसएस के, बीजेपी के, वो अलग अलग तरह से अफवाह फैलाते हैं। पहले जैसे मुजफ्फरनगर में ये बोला कि लव जिहाद, उसके बाद आजकल ये बीफ की गौ की हत्या हो रही है और मुसलमान लोग गाय को मार रहे हैं, खा रहे हैं वगैरह, उस आधार पर जगह जगह झूठे अफवाह फैलाकर दंगे कराने की कोशिश करी जा रही है और ये पूरी धर्म की राजनीति के तहत। भाजपा के जो ऊपर के लीडर्स हैं वो डायरेक्टली सामने नहीं आते लेकिन कभी कभी आ भी जाते हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे कई सारे और भाजपा के बड़े लीडर हो, वो सब इस कैंपेन में एक तरह से शामिल हैं और इसको बढ़ावा दे रहे हैं। और जब कुछ लोग इसके खिलाफ बोलते हैं, चाहे वो भाजपा के वो जो अंधविश्वास या संघ परिवार का जो अंधविश्वास फैलाने का कार्यक्रम चल रहा है, प्राचीन भारत और हिंदू भारत को खूब बढ़ा चढ़ा के दिखाने का, हिंदुत्व के तहत, उसके खिलाफ अगर कोई बोलता है और बोलता है कि भाई ये तो अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, तो उनको उनके ऊपर बहुत भयंकर अटैक किया जाता है, कभी उनको पीटा जाता है, कभी मुंह पर कालिक पोत दी जाती है और कभी कभी तो जान से भी मार दिया जाता है, जैसे कि दभोलकर, पंसारे और कलबुर्गी प्रोफेसर्स थे जो उसको क्वेश्चन कर रहे थे, उनको मार दिया गया। अच्छी बात यह है कि आज इसके खिलाफ देश में जागरूकता बहुत बढ़ी है और उसके चलते हुए बहुत सारे राइटर्स, साइंटिस्ट, हिस्टोरियंस, आर्टिस्ट सब खड़े हो गए हैं। देश का मतलब जितना इंटेलेक्चुअल क्लास जिसको हम कह सकते हैं, वो धीरे धीरे करके सब इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा और हेल्दी साइन है, लेकिन फिर भी आज ये ऐसी भयंकर लड़ाई इस देश के आत्मा को बचाने की, क्योंकि ये देश बहुत डाइवर्स देश है, इसमें हर तरह के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रांत के लोग रहते हैं जिनका खाना पीना अलग अलग है, और इसलिए जानबूझ के हमारे संविधान बनाने वालों ने इसको एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाने का फैसला किया था। आज उसी के ऊपर इतना बड़ा प्रहार है और इसको एक हिंदू देश बनाने की कोशिश करी जा रही है जो लोग आज सत्ता में काबिज हैं और आरएसएस और संघ परिवार के द्वारा। इसलिए एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा हो गया है कि क्या ये संगठन जो है, चाहे बीजेपी हो, बीजेपी का इतना नहीं, लेकिन चाहे आरएसएस हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो और कुछ और जो दूसरे धर्म के भी बहुत एक्सट्रीमिस्ट और नॉन सेकुलर संगठन हैं, क्या इनके मेंबर्स को हिंदुस्तान की सरकार या किसी भी राज्य सरकार में कोई पद अधिकारी बनने का हक है?
क्या उनको इस तरह की इजाजत दी जा सकती है कि ऐसे संगठन जो संविधान के बिल्कुल खिलाफ हो, जिनकी सोच और आइडियोलॉजी हमारे संविधान की मूल धारा के खिलाफ हो, उनको क्या सरकारी औहदों पर बैठे रहने का कोई हक है? क्योंकि सरकारी औहदों पर बैठकर वो बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए शायद इस देश में अब समय आ गया है ये देखने का कि क्या ये संगठन संविधान विरोधी हैं, और अगर संविधान विरोधी हैं तो इनके लोगों को, इनके मेंबरों को क्या सरकार में बने रहने का कोई हक है? मुझे लगता है आज इस गंभीर समय में इस पर हमको चिंतन करना पड़ेगा, और इस पर एक बड़ा पीपल्स ट्राइब्यूनल बनाकर, और जिसमें बहुत सारे ऐसे एमिनेंट लोग हों जिनके राष्ट्रवाद पर और जिनके इम्पार्शियलिटी पर कोई शक ना कर सके, वो लोग मिलकर ये तय करें कि क्या ये संगठन आज संविधान विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, हमारी संविधान की मूल धाराओं के विरोधी हैं, और क्या इनके लोगों को सरकार में बने रहने का कोई हक है? इस चिंतन के बाद मुझे लगता है कि इस देश में अब समय आ गया है एक अभियान चलाने का कि भाई ये संविधान के खिलाफ जो लोग हैं, जो संविधान को तोड़ना और ख़त्म करना चाहते हैं, जो इस देश को ही ख़त्म करना चाहते हैं, इनको कम से कम सरकारी पोजीशंस पर रहने का कोई अधिकार नहीं।